अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साकिब अली और आप देख रहे हैं डिश की दुनिया यूट्यूब चैनल। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ये आप देख रहे हैं कि हमारा दोस्त नहीम इस वक्त हॉट बाट की सेटिंग करने की कोशिश कर रहा है। हमने इस डिश को सेट करना है हॉट बाट 13 डिग्री पर। यह इसकी पहले डायरेक्शन थी एशिया सेट और यह अब 13 डिग्री पर इसको सेट कर रहा है। आपको आखिर में चैनल वगैरह भी दिखाएंगे कि इसके हमारे के पास कितने चैनल वसूल हुए हैं, कितने चैनल हमने हासिल किए हैं, चलते भी हैं नहीं चलते। ये इस वक्त नहीं इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये बाबा साहब हैं जिनकी डिश है। खैर थोड़ा सा मसला हो रहा था, फुल वीडियो इसलिए नहीं बना सका इसकी डायरेक्शन मूव करते हुए। ये मूविंग वाली डिश है जिसकी हमने इस वक्त सेट करना है। ये आप देख सकते हैं ये नहीं पाइप पर टेप लेट रहा है क्योंकि थोड़ा सा पाइप छोटा है जो पहले वाली है ना जो फीड हारन है उसकी थोड़ा सा इससे बड़ा है, इसलिए टेप वगैरह प्लेटेंगे इसको। इसके बाद इसको ये आप देख सकते हैं ये चैनल आ रहा है, स्कैन भी कर रहे हैं। इसके बाद इसकी मज़ीद भी थोड़ी देर बाद इसको मज़ीद अच्छी तरह से और भी फिटिंग आपको फुल भी दिखा दूंगा। ये स्कैन कर रहे हैं जो चैनल कम हुए और जिसके सिग्नल कम हुए वो अब बाद में हम ठीक करेंगे। इसी वीडियो में आपको ठीक करने का भी दिखाऊंगा। कुछ चैनल के सिग्नल इस वक्त कमज़ोर है इसलिए नहीं मैं इसको थोड़ा बहुत हिला रहा है। यह देख सकते हैं डिश सेट हो चुकी है। ये देखें ये नहीं ने इसकी मैकेनिकी की है किस तरह। ये आप देख सकते हैं ये मूविंग वाली डिश थी। बाबे ने कहा है कि इसको मोटर वगैरह उतार देनी है जिस पर ये मैंने तरकीब लगाई है। इसको क्या करना है, बड़े पेज थे इस पर लगे हुए, मैंने छोटे छोटे 10 वाले पेज लिए लगा दिए हैं। ये पहले से फिक्स हुई थी एशिया की तरफ, एशिया सेट की तरफ। ये आप देख सकते हैं ये इसको लगाने का सबसे जो बेहतरीन तरीका है ना वो ये है कि आपने किस तरफ इसका रुख करना है। रुख बिल्कुल आपने करना है बिल्कुल जैसा किबला जिस तरफ है ना सूर्या की तरफ, आप बिल्कुल रुख कर देना है इसका। या अगर आपके मोबाइल फ़ोन में या अगर कंपास वगैरह है तो वेस्ट जो है ना उसकी तरफ इसका मूव करना है, थोड़ा बहुत हिलाना है। आपको ये सेटेलाइट आसानी से मिल जाएगी। आठ डिश पर इसकी सेटिंग बहुत आसान है। या अगर आपकी डिश लगी हुई है एशिया सेट की तरफ या बिल्कुल इसके पीछे ये सेटेलाइट मिल जाती है, आप ट्राई कर सकते हैं। या अगर एशिया सेट की तरफ इसकी डिश फिट है मूविंग वाली या अगर डिश फिट है तो बिल्कुल आखिर में जाके यहाँ पे जाके रुक जाएगी, यानी कि बिल्कुल ज़मीन से बिल्कुल इसका ज़मीन से जो फासला था ना एक ईंट के बराबर था, एक ईंट यानी कि 5 हम कह लें 5 इंच कह लें, सामने 5 इंच ज़मीन से बिल्कुल ये डिश उठी हुई थी 5 इंच। ये आप देख सकते हैं ये इस वक्त इसका ब्लैंड स्कैन करके आपको दिखा रहे हैं। अक्सर पूछे जाने वाले सवालात और इसके अलावा बहुत से लोगों की फरमाइशें वगैरह वो जो है ना वो इस वीडियो के आखिर पर है, जो कुछ इस डिश में है वो कुछ तस्वीरें वगैरह इस डिश के आखिर में है, वो आप देख ले, वो आखिर में आप देख लीजिएगा ठीक है। ये एक बड़ा सा टीवी है, असल में डिश देखने का सही जो मज़ा है ना वो भी बड़े टीवी पर बड़े एलसीडी पर आता है। ये बड़ी सी एलसीडी है इस पर इस वक्त स्कैन करके आपको दिखा रहे हैं। ये इसके चैनल जो इस वक्त आएंगे वो आपको तमाम चैनल भी दिखाएंगे। इसके अलावा नईम लाइन वगैरह का भी काम करता है, नईम अपनी डिज़ाइन डालेगा और आपको कुछ चैनल चला के भी दिखाएंगे। खैर ज़्यादा नहीं दिखा सकते क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है ये ना वो वीडियो बाद में डिलीट कर दी जाए, इसलिए आपको थोड़ी सरसरी जिसको कहते हैं ना वीडियो का इफेक्ट वगैरह डाल के इसको दिखाएंगे आपको। चैनल जो लोगों की फरमाइश है इस पर चैनल देखते कि वो उनकी फरमाइश ज़रूर पूरी करेंगे इस बार, कोई मसला नहीं है।
ये सेटेलाइट के चैनल इस वक्त ट्यून हो रहे हैं, थोड़ी सी देर में इसके तमाम चैनल ट्यून हो जाएंगे। हमारे इस इलाके में तकरीबन 1200 तक चैनल आते हैं, उम्मीद यही है कि हम भी 1200 तक चैनल हासिल कर लेंगे। इसके सिर्फ आखिरी टीपी है जिसके सिग्नल थोड़े से कमज़ोर थे, मैं उसको नहीं ऐड कर सका क्योंकि ये डिश थोड़ी सी पुरानी थी, लेकिन शब्बीर की ओरिजिनल ए क्वालिटी डिश थी, बिल्कुल कोई मसला नहीं हुआ। हम जिस वक्त गए इसको सेट करते हुए तकरीबन 5 मिनट में हमने इसका सिग्नल, 5 मिनट से कम मिनट में हमने नमने फौरन हमने डिश को फेरा, फौरन सिग्नल समझो आ गया। फिर सिग्नल को जिसको कहते हैं सेट करते हुए हमें काफ़ी यानी कि मिनट लग गए, यानी कि सिग्नल तो आ गया लेकिन जिसको कहते हैं ना भाई यहाँ पे फुल आएगा यहाँ पे फुल आएगा, इस तरह करते हुए हमें काफ़ी वक्त लग गया था, लेकिन हमने सिग्नल 5 मिनट से पहले हमने ट्रैक कर लिए थे। बाबे ने वो मोटर वाली क्या कहते हैं कि रफड़ डाल दिया, मोटर भी हटानी है, फिर हमने इसका कोई आइडिया निकालना था। बाद में मेरे जहन में आइडिया आया कि ये जो लगी हुई है इसके साथ एक्स्ट्रा लोहे की सलाख, इसको इस तरह बांध देते हैं, इसके बड़े पेज है छोटे पेज ले लेते हैं, इसके साथ जोड़ देते हैं इसको मुकम्मल दो जोड़ दिया, बिल्कुल इस तरह फिट आ गई डिश के, हिल भी नहीं सकती ज़रा, चाहे कोई जखड़ आए कोई चीज़ आए, यह डिश बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। बाकी ये है कि नेम आपको नेम वाली लाइन भी हम चेक कराएंगे, लाइन वगैरह लेनी हो तो नेम को रब्ता कर ले, ग्रुप में नेम का नंबर भी है, वीडियो में भी हो सकता है मैं नेम का नंबर दे दूं, नंबर आ जाएगा इसका, आपने इसे रब्ता कर लेना है। इसकी लाइन पर जो ये बेच रहा है इस पर तकरीबन जो है ना हार्ट बाट का जो चैनल है वो बहुत तेज़ी से चलते हैं, मैंने इसका टेस्टिंग भी कर ली है, तसल्ली वाली बात है। ये प्रोटोकॉल वाला बाबे का रिसीवर था, बहुत पुराना रिसीवर था इसका, इसने अपग्रेड भी नहीं किया हुआ था, मेरे पास फ़िलहाल उस वक्त अपग्रेड नहीं था रिसीवर को, वरना मैं अपग्रेड कर देता, फाइल उस वक्त नहीं थी मेरे पास, USB घर पर थी। तो ये प्रोटोकॉल वाला रिसीवर है, ये आप देख सकते हैं ये 1200 के तकरीबन 1000 के करीब इसके चैनल पहुंच गए हो जाने चाहिए, तकरीबन 1200 तक, ये देखें ये हो गए 1133, ठीक है पूरे ही हैं, इतने ही होते हैं, कभी कम भी हो जाते हैं, एक फ्रिक्वेंसी भी नहीं आ रही। हाँ वो हमारे इलाके में कम ही आती है क्योंकि उसके सिग्नल जो है सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, जबकि सुबह के वक्त ये आप नेट जियो फ्रांस देख रहे हैं, ये इस सेटेलाइट पर फ्री चलता है, ये इस सेटेलाइट पर बिल्कुल फ्री चलता है। हाँ जी ये नेम अपनी लाइन डाल रहा है, ये आप देख सकते हैं ये पोर्ट डाल दी इसने, और आपको चेक भी कराएंगे ये चैनल जितना कोई मुमकिन हो सका। हाँ भाई मैंने इसको कहा है कि इस तरह करना कि मेरा लिख देना नाम, ये ट्रस्ट लाइन क्रिएट की है, ये नहीं है कि ये लाइन महीने की इसने क्रिएट की है, ट्रस्ट लाइन है ना दे तो मेरे से रब्ता कर लेना, आपको टेस्ट लाइन भी देगा महीने की भी देगा, प्लीज़ इसको तंग नहीं करना। जिन भाइयों वीडियो देख रहे हैं नहीं उनके लिए यह है कि भाई हमारा ग्रुप भी है, नीचे ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, वो ग्रुप को ज्वाइन कर लें, किसी बारे में कोई मालूमात वगैरह चाहिए मुझसे पूछ लें, नेम से पूछ लें, इसके अलावा लाइन वगैरह चाहिए तो नेम की लाइन बहुत अच्छी है, आपको दिखा भी देंगे नेम की लाइन चलती भी है या नहीं चलती। बाबी का नेट भी इस वक्त स्लो था, इसके रिसीवर में भी काफ़ी मसला था, फिर भी आप देख सकते हैं ये लाइन चल रही है इसकी, बाबे का रिसीवर अपग्रेड नहीं था,
और ऊपर से क्या कहते हैं इसका ड्राइवर स्विच भी ख़राब है। चलो कुछ कर लेंगे इसका हल। चैनल ज़रूर होते हैं लेकिन मसला यह है इनका जो आपको अक्सर लोग पूछते रहते हैं, बात यह है कि YouTube पर काफ़ी पाबंदी होती है इसकी, हम दिखा नहीं सकते इसलिए आपको नहीं दिखा रहे, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसियाँ नोट कर लें, ये काफ़ी तेज़ इनकी फ्रीक्वेंसियाँ ये जो चैनल आप देख रहे हैं। वैसे भी कोई जो स्ट्रॉन्ग इस सेटेलाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैंने दे चुका हूँ पहले भी, आप मेरी स्क्रीन इसी शॉट में पहली स्क्रीन शॉट है वो इस तेज़ फ्रीक्वेंसी का, इसके अलावा वीडियो में भी मैं दे दूँगा, कोई मसला नहीं है, इसकी तेज़ फ्रीक्वेंसी है, काफ़ी तेज़ है। भी सेट कर लेंगे। वही भी।